टॉपिक का नाम है एलसी ऑसिलेशंस। देखो जो एलसी ऑसिलेशंस हैं इसमें सबसे पहली चीज़ ये डायग्राम सबसे बढ़िया डायग्राम है। एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर है। तो ये दोनों आपने कनेक्ट कर दिया आपस में और कैपेसिटर को आपने मान लो फुली चार्ज कर दिया किसी बैटरी से, तो ये आपके सामने कैपेसिटर क्या है, फुली चार्ज है। सच दैट कैपेसिटर की ऊपर की प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज मैक्सिमम है। इंडक्टर के पास कुछ नहीं है, आपने स्विच ऑन कर दिया चार्ज करने पे। अब क्या हुआ, कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर जब फुली चार्ज होगा और एक वायर या एक इंडक्टर के साथ कनेक्टेड होगा, एक वायर का कनेक्शन है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसको सेटिस्फाई करके इसके डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, राइट, ऐसे होगा। और जब इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे तो करंट जाएगा इसमें, तो करंट जाएगा इसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, सोलेनोइड है, करंट जाएगा तो बी पैदा होगा, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ बी, तो इसमें करंट जा रहा है ऐसे। अब करंट इसमें मैक्सिमम है क्योंकि कैपेसिटर पूरा क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। अब इंडक्टर के पास देखो, एज्यूमिंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, वैसे प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी तो है ही है, तो बेसिकली पहले एनर्जी किसके पास थी, कैपेसिटर के पास, सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ और एनर्जी किसको मिल गई, इंडक्टर को, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। अब इंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी है, इसमें करंट भी है मैक्सिमम, ये करंट वापस किसको देगा, कैपेसिटर को देगा, उल्टा करंट है क्योंकि इंड्यूस करंट है, क्योंकि इंडक्टर देख रहा है कि मेरा करंट बढ़ना बंद हो गया, अब वो कम होना स्टार्ट हो गया था, तो इंडक्टर फटाफट क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ के चक्कर में करंट मैग्नेटिक एनर्जी को लूज करेगा, अपने करंट को वापस कैपेसिटर को देगा और कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। पर इंपॉर्टेंट ये है, पहले चार्ज किसने किया था, हमने किया था, अब चार्ज कौन कर रहे हैं, इंडक्टर कर रहे हैं, उल्टा चार्ज कर देगा, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस, उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इंडक्टर के पास कुछ नहीं है, चार्ज फिर मैक्सिमम हो गया इसके ऊपर उल्टा। अब कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी है, डिस्चार्ज होने की, एनर्जी लॉस नहीं है तो कैपेसिटर वापस डिस्चार्ज करेगा, लेकिन करंट इस बार उल्टी डायरेक्शन में है, क्यों, पहले ऐसे प्लस ऊपर था माइनस नीचे था, करंट कहाँ पर था, राइट की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ था, अब सब कुछ उल्टा चल रहा है। अब उल्टे में क्या होगा, करंट उल्टा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टा हो गया, करंट उल्टा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टा हो गया, और थोड़ी देर में क्या हुआ, सारी एनर्जी किसके पास चली गई, इंडक्टर के पास। अब इंडक्टर वापस से अपने मैग्नेटिक एनर्जी को लूज करेगा और वापस से कैपेसिटर को चार्ज करेगा, अब इस बार फिर उल्टा चार्ज करेगा, यानी कि प्लस ऊपर माइनस नीचे, और इनिशियल और फाइनल डायग्राम एकदम बराबर हो गया, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। तो यहाँ से यहाँ आने में टी बाय फोर टाइम है, यहाँ से यहाँ आने में टी बाय टू टाइम है, यहाँ से यहाँ प्लस टी बाय फोर थ्री टी बाय फोर टाइम है और वापस टी टाइम है। तो एक चक्कर पूरा हो गया, तो एक चक्कर में कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी और इंडक्टर की भी जो है एनर्जी मैग्नेटिक की फॉर्म में आई, फिर चली गई, फिर मैग्नेटिक, फिर चली गई। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसके अंदर एल और सी जब कनेक्टेड हैं तो एक बार एनर्जी कैपेसिटर के पास है, फिर इंडक्टर के पास है, फिर कैपेसिटर के पास है, फिर इंडक्टर के पास है, टू एंड फ्रो मूव कर रही है, ये टॉपिक है, इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी स्टडी करते हैं, और वैसे बता दूं कि एलसी ऑसिलेशंस कहाँ काम आती हैं। एलसी ऑसिलेशंस हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने के लिए काम आती हैं। आप खाना भी गर्म करते हो माइक्रोवेव में, उसमें एलसी ऑसिलेटर लगा होता है, उसमें एनर्जी फटाफट एल और सी के बीच में जाती है, ईए वेव जनरेट होती है माइक्रोवेव जो खाने में पड़ती है, खाना गर्म हो जाता है, लेकिन ये शुरुआत है ईएम वेव्स की, तो ऐसा हम यूज करते जाएंगे इन टर्म्स। तो इसमें इस चैप्टर में बस यही बता रखा है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर होता है। तो एनर्जी जो है कैपेसिटर के पास हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी की फॉर्म में जाती है, तो जब ये खाली हो जाता है कैपेसिटर तो इंडक्टर की फॉर्म में जाती है। इंडक्टर में हमने ये एनर्जी की नहीं है, इंडक्टर में जब आई करंट होता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो हाफ एल आई स्क्वायर होती है इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक बार मैग्नेटिक, एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक बार मैग्नेटिक। अगर एनर्जी का लॉस ना हो, और हाँ एक सेकेंड में कितनी बार एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एल और सी में, वहाँ से उसकी अगर फ्रिक्वेंसी निकाल लें, वो फ्रिक्वेंसी एग्जैक्टली 1/2 pi root LC ही आती है, जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हुआ करती थी LCR की, तो इतनी फ्रिक्वेंसी में एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर एनर्जी का लॉस ना हो तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी हर चक्कर में, लेकिन अगर एनर्जी का लॉस हो
तो एनर्जी कम होती जाएगी आफ्टर ट्रांसफर, एक दो तीन चार एनर्जी कम होती जाएगी। अगर एनर्जी खत्म नहीं हो रही इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, और अगर एनर्जी कम होती हुई जीरो हो रही है इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो ये डैम्पिंग हो रही है, इसमें अनडैम्पिंग है। अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर तो कुछ ना डायग्राम राइट साइड पे बना हुआ है स्प्रिंग मास सिस्टम के साथ। तो अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर तो ये बताया हुआ है कि अगर इमेजिन करें एक स्प्रिंग और मास सिस्टम है जो हमने प्लस वन एस एच एम में किया था, तो ये इसकी मेन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मान ले आप एक्सट्रीम पोजीशन पे और आपने इस ब्लॉक को खींच के रखा हुआ है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है, तो एनर्जी किसके पास है? स्प्रिंग के पास है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एनर्जी। आप इसे छोड़ दें फटाफट भागा आएगा, ये मेन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्स होगी, तो सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वापस जाएगा इसको दबाएगा तो फिर से एनर्जी किसकी फॉर्म में आ जाएगी? स्प्रिंग एनर्जी। ये वापस मीन पे आएगा तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और फिर से ये इधर आ जाएगा और फिर से एनर्जी आ जाएगी स्प्रिंग एनर्जी। तो एक तरीके से स्प्रिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, एक बार कंप्रेशन है एक बार एक्सपेंशन है। तो इसको कंपेयर किया गया है कि जब हमने पूरी एनर्जी भर दी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू स्प्रिंग एनर्जी, फिर एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक, और यहां पर क्या हो गई? मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू काइनेटिक एनर्जी, फिर उसके बाद क्या होगी? स्प्रिंग एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, लेकिन कंप्रेशन की एनर्जी है, पहले एक्सपेंशन की एनर्जी थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दिया, फिर काइनेटिक एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू मैग्नेटिक एनर्जी, डायरेक्शन चेंज हो गई क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई और सेम सिचुएशन, तो सेम सिचुएशन आ गई। तो स्प्रिंग मास सिस्टम के साथ भी कंपेयर किया इसे। अब इसके अंदर एलसी ऑसिलेशंस के अंदर इसका अगर आप मैथमेटिकल पोर्शन देखें तो मैथमेटिकल पोर्शन के अंदर नंबर शीट है ये रही। तो मैथमेटिकल पोर्शन में ये आपके सामने एल और सी है। एल और सी में जब कैपेसिटर के अंदर किसी भी इंस्टेंट पर क्यू चार्ज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्यू बाई सी। इंडक्टर में करंट चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ तो क्या होगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन का मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है और किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली टोटल ईएमएफ का सम क्या आएगा? जीरो। ये डेरिवेशन आपने करनी नहीं है, एलसी ऑसिलेशन एनसीईआरटी का मैंने करवा दिया, पर ये कॉम्पिटिशन में क्या आएगा बताऊंगा। कॉम्पिटिशन के लिए आपको डेरिवेशन करने सिर्फ समझना है, जो लिखना है आपको एंड में लिखवाऊंगा। तो ये रूल है क्यू बाय सी इसके इक्वल आ गया। अब क्योंकि कैपेसिटर को हमने फुली चार्ज करके छोड़ दिया था तो उसकी क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग हो रही है, चार्ज उसका कम हो रहा है। जब चार्ज कम हो रहा है तो उस केस में आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी, जो कि नेगेटिव होगा क्योंकि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो आप इसमें काम कर सकते हैं, डी आई बाई डी टी में आई की जगह पुट करें माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो आपके पास क्या आएगा? डी आई बाई डी टी की ये वैल्यू आएगी। इस डी आई बाई डी टी को यहाँ पुट कर दें तो ये टर्म आएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। कुछ याद नहीं करना, कोई टेंशन नहीं, यहाँ तक लेके आए। इसके बाद याद करें आपने एस एच एम किया था, हमने प्लस वन में एस एच एम में क्या किया था? इक्वेशन एस एच एम की हुआ करती थी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्सेलरेशन क्या होता है? डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, दो बार डिफ्रेंशिएशन एक्स की करेंगे तो एक्सेलरेशन आती थी, ये हमने किया था। तो ये एस एच एम की इक्वेशन है। इसमें एस एच एम में पीरियोडिक मोशन में क्या चीज चेंज होती थी? डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है पीरियोडिकली चेंज होती है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो जो काम इसमें एक्स कर रहा है वो काम इसमें कौन करेगा? चार्ज कर रहा है। तो इसमें चार्ज पीरियोडिकली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मैथमेटिकली प्रूव है कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। पीरियोडिकली कैसे चेंज हो रहा था? जीरो से टी बाई फोर टाइम यूज किया मैंने, टी बाई फोर से टी बाई टू किया, फिर थ्री टी बाई फोर किया और फिर वापस टी किया, यानी कि हर चीज में क्या कर रहा हूँ? पीरियोडिक कर रहा हूँ। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ है, आपने कुछ नहीं करना है ऐसा। उसके बाद क्या करना है? अगर आप इन्हें कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 बाय एल सी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? रूट एल सी। मैंने प्रूव किया था कि एल सी ऑसिलेशन में मैंने ये यूज़ किया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय 2 पाई रूट एल सी, इसका प्रूफ है ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा इसके इक्वल क्यों होती है। तो मैथमेटिकल प्रूफ नहीं आता, पर आपको बता दिया मैंने कैसे किया। अब एक और चीज़, अगर आपको प्लस वन का एस एच एम याद है
तो SHM में हम ऐसा करते थे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, SHM की इक्वेशन होती थी डिस्प्लेसमेंट की। अगर मैं इसे दो बार डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास आंसर आता था एक्सेलरेशन, इसको प्रूव करने के बाद अगर आपको प्रूफ याद हो तो मेरे पास ये आंसर आता था। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता था, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, SHM की इक्वेशन आती थी। तो इस इक्वेशन से यहां पे आने के लिए मुझे दो बार क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। इसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथ वाले लोगों को कैलकुलस में और डिटेल में सिखाएंगे हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें सिखाया जाता है सीधा, ये गिवन है ये निकाल दो, दो बार डिफरेंशिएट आंसर। मैथ के लोग उल्टा करते हैं, आपको क्वेश्चन आने वाले टाइम में दिया जाएगा ये इक्वेशन और ये निकाल लो, तो दो बार क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। हमने नहीं करनी। अगर हम ऐसा करें और सॉल्व करें तो हमारे पास चार्ज, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें चार्ज की ये इक्वेशन आएगी, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। कॉस इसलिए आएगी क्योंकि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज, और फाइव इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज क्या था, मैक्सिमम, क्योंकि हमने कैपेसिटर को फुली चार्ज किया हुआ था। अगर हम फुली चार्ज ना रखते, इंडक्टर को एनर्जी देते पहले और कैपेसिटर को ना देते, तो ये इक्वेशन साइन में कन्वर्ट होती, क्योंकि कॉस मैथ्स में मैक्सिमम से स्टार्ट होता है और साइन जीरो से होता है। तो आपने ये डेरिवेशन कुछ नहीं करने, आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन क्या आएगा ये सुन लो। आपके मेंस में मैच दी फॉलोइंग आपको मिलेगा, पुराने पेपर में पिछले या पिछले साल आया हुआ है, इस टॉपिक के ऊपर आया और नीट के अंदर भी आ सकता है। अब क्या आएगा सुनो, असली क्वेश्चन वो कहेगा कि एलसी ऑसिलेशंस को स्प्रिंग मास सिस्टम के साथ कंपेयर करो। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट होती थी एक्स, तो एक्स पीरियोडिकली चेंज होता था, इसमें कौन पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, चार्ज। कैपेसिटर में चार्ज पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, तो जो काम उसमें एक्स करता है वो काम इसमें क्यू करेगा। वेलोसिटी क्या होती थी, डी एक्स बाई डी टी वी, तो इसके अंदर डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या आएगा, डी क्यू बाई डी टी, और वेलोसिटी की जगह टर्म क्या आएगा, करंट। तो जो काम उसमें वी करता था वो काम इसमें करंट करेगा। तो सेकंड कंपैरिजन भी क्लियर है। तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती थी SHM की, इसमें एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, चार्ज। तीसरी इक्वेशन नेक्स्ट है ओमेगा स्प्रिंग मास सिस्टम का था अंडर रूट ऑफ के बाय एम, लेकिन यहां पर ओमेगा क्या होता है, वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। नेक्स्ट SHM की इक्वेशन या तो साइन में होती थी या कॉस में होती है, इसके अंदर भी चार्ज की इक्वेशन या साइन या कॉस किस में भी हो सकती है, ये क्वेश्चन में गिवन ही होती है। वैसे आप कोई भी यूज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट कॉस यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेलोसिटी का फॉर्मूला SHM में हुआ करता था dx by dt ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, SHM का बड़ा फेमस फॉर्मूला था, लेकिन इसमें v की जगह आएगा करंट, x की जगह आएगा चार्ज, ओमेगा की जगह आएगा ओमेगा, x की जगह आएगा चार्ज, एम्पलीट्यूड की जगह आएगा मैक्सिमम चार्ज। तो जो काम उसमें ए करता है वो काम इसमें क्यू नॉट करेगा। SHM की इक्वेशन है ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसमें एक्सेलरेशन होता क्या है, डीवी बाई डीटी। जो काम इसमें वी करता है वो काम इसमें कौन करता है, करंट करता है, तो एक्सेलरेशन की जगह डीआई बाई डीटी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह क्यू। नेक्स्ट है जो काम काइनेटिक एनर्जी करती है SHM में, और स्प्रिंग एनर्जी दो टाइप की एनर्जी यूज करते हैं, जो काम उसमें काइनेटिक एनर्जी करती है वो काम इसमें मैग्नेटिक एनर्जी करती है, और जो काम उसमें स्प्रिंग एनर्जी करती है वो काम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक करती है। तभी तो कंपैरिजन के अंदर पहले कैपेसिटर को एनर्जी दी थी और स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग की एनर्जी दी थी, तो जो काम स्प्रिंग एनर्जी है वो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी करती है। उसी तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएं स्प्रिंग मास सिस्टम में, तो सम ऑफ काइनेटिक एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की वो कांस्टेंट है। इसके अंदर हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ एल आई स्क्वायर काम करेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी काम करेगा। अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो एल का काम यहां पर कौन कर रहा है, मास, तो मास इज कंपेयर्ड बाई एल, क्योंकि आई इज कंपेयर्ड बाई वेलोसिटी, और ऐसी एक्स इज कंपेयर्ड बाई क्यू, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो के इज कंपेयर्ड बाई वन बाई सी, तो सी किसके इक्वल होगा, वन बाई के। तो मैच भी फॉलोइंग वह पूछ सकता है कि L किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, मास को, और C किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, वन बाय स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को। तो इसके ऊपर कंपैरिजन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखेंगे।